माय नेम इज गोपाल जी एंड वेलकम टू इजी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक पीरियड, जिसमें हम बात करेंगे आर्यंस की, और जिसमें हम बात करेंगे कि वैदिक पीरियड को कितने भागों में बांटा गया है, और साथ ही साथ बात करेंगे कि आर्यन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैसे माइग्रेट हुए हैं उसकी बात करेंगे। टाइम न वेस्ट करते हुए सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। वैदिक पीरियड को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक ऋग वैदिक पीरियड जो 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य, दूसरा होता है लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 बीसी से 600 बीसी के मध्य या फिर 500 बीसी के मध्य कुछ लोग मानते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि बाल गंगाधर तिलक की, जिन्होंने अपनी ज्योतिष गणना के अकॉर्डिंग जो वैदिक जो है उसको चार भागों में डिवाइड किया है, जो इस तरीके से ऋग्वेद लिखा है उसकी जो लिखने की एज बताई है, उन एज को चार पीरियड्स में बांटा है, और इसका जो एक पीरियड बताया है वो 3000 बीसी के आसपास बताया है। बाल गंगाधर तिलक ने अपने ज्योतिष गणना के अनुसार वैदिक पीरियड को चार भागों में इस तरीके से डिवाइड किया है। नंबर एक आदिकाल, नंबर दो मृगा शीर काल, नंबर तीन कृतिका काल, नंबर चार सूत्र काल। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री का वह समय जिसमें डोमिनेंट जो रेस थी वो वैदिक पीपल थे, जो वैदिक लिटरेचर को एक तरीके से लिखते थे। बेसिकली वैदिक पीरियड का एक जो सार है वो पूरा ऋग्वेद में ही उपलब्ध है, उसी में मिलता है, इसीलिए ऋग्वेद को ही वैदिक पीरियड का उपन्यास कहा जाता है, जिसमें 10 संहिता हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर के साथ साथ लिंग्विस्टिक जितनी भाषाई ज्ञान है उसमें उस वैदिक पीरियड का पूरा ज्ञान मिलता है। कहा जाता है कि ऋग वैदिक जो ऋग्वेद है उसको आर्यन ने लिखा है, और साथ ही साथ इंडियन जो हिस्टोरियन है वो मानते हैं कि आर्यन भारत से ही सेंट्रल एशिया की ओर गए। बट जो इसके अलावा जो वर्ल्ड के अधिकतर जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये हिस्टोरिकल उसमें अपना योगदान दिया है, वो सब आर्यन को साउथ रसिया से मानते हैं, जिसमें और बताया कि साउथ रसिया से ही वो ईरान भारत की ओर माइग्रेट हुए हैं। साथ ही साथ इस माइग्रेट थ्योरी के दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो इस माइग्रेट थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा सशक्त करते हैं, बल देते हैं। पहला यह कि साउथ रशिया जो साउथ रशिया लैंग्वेज है उसका जो पैटर्न है वो मूव करते हुए जो साउथ रशिया से होते हुए एशिया, ईरान, भारत उपमहाद्वीप तक ये आया, और ये कई पुस्तकों में भी इसका वर्णन दिखता है। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह है कि फैक्टर M17 एक जीन है जो साउथ रशियन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, जो वहाँ की 40-45% पॉपुलेशन पाया जाता है, जो आर्यन जीन माना जाता है, ठीक है। और जब इसका और सर्वे किया गया तो ये भारत ईरान में भी ये जीन पाया गया, उसमें से भारत की दिल्ली की 35% पॉपुलेशन में ये जीन पाया गया, और द्रविड़ जो पीपल यानी इंडियन द्रविड़ पीपल हैं उनमें 5-8% ही पाया गया, जिससे ये साबित होता है कि रशिया में जीन ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा आर्यन रहते थे, यानी कि वही उनका केंद्र है, उधरी से ये सब यहाँ पे आए होंगे। अब बात करते हैं कैसे और कहाँ से आर्यन माइग्रेट किए होंगे पूर्णतः रूप से। पहले आपको बता दे कि जो आंद्रोनोवो कल्चर है जो साउथ रसिया के एरिया में पाया जाता है उसको आंद्रोनोवो कल्चर बोलते हैं, जैसे कजाकिस्तान, यूराल माउंटेन तक पाया जाता है। और दूसरा है एक बीएमएसी कल्चर जो आपका दक्षिण कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के इलाके में पाया जाता है, उस कल्चर को बीएमएसी कल्चर कहते हैं जो इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो ये माना गया कि 1500 बीसी में ये लोग माइग्रेट करके यूरोप से होते हुए कैस्पियन सागर से अनातोलिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान
की तरफ से होते हुए पूरी तरीके से ये भारत में आए, जो एक तरीके से जो सप्त सिंधु रीजन है उस जगह पे आर्यन वहां पे रुके, क्योंकि वहां पे नदी थी इसलिए उनको वहां पे रुकने में ज्यादा सुविधा हुई। और ये उसके बाद पंजाब, दिल्ली और ये सब रीजन को कवर किया। ऋग्वेद में सरस्वती जो रिवर है उसको नदीतम वर्ड से यूज किया गया है, ठीक है ना। तो इससे ये चीज माना जाता है कि सरस्वती रिवर तक भी इनका प्रसार था। जो आर्यन थे मुख्य रूप से घुमंतु थे, वो घोड़ों का यूज करते थे, रथों का यूज करते थे, वो मकान जो ईंटों का है उसको बनाने में बना लेते थे, और उनकी कल्चरल सोसाइटी थी। एक ईरानी बुक है अवेस्ता, जिसमें सरस्वती को हरस्वती कहा गया है, यानी कि अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में जहाँ सा है वहीं अवेस्ता में उसको खास से यूज किया गया है, ठीक है ना। कह सकते हैं जैसे ऋग्वेद में हो गया सरस्वती, तो अवेस्ता ईरानी बुक में उसको हवेस्ता बोल दिया गया, ठीक है। और उसी तरीके से जैसे ऋग्वेद में सिंधु है वैसे ही ईरान की अवेस्ता में हिंदू बोला गया है, ठीक है। इस तरीके से भी बहुत सारे साक्ष्य जो मिलते हैं कि किस तरीके से ये सब इस एरिया में ये आर्यन पाए गए होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ईरान और सिंध नदी क्षेत्र का कल्चर भी इंडिया से मिलता जुलता है। जब आर्य भारत आए तो इंडियन जो द्रविड़ थे, इंडियन एक तरीके से द्रविड़ बोला जाता है क्योंकि इनका रंग काला और गेहुआ होता था। एक तरीके से जो ये द्रविड़ पीपल थे ये एक तरीके से जंगलों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, इनको मकान बनाने की कला नहीं आती थी, जिसके कारण आर्यन इन्हें दसासु या दस्यु कहते थे। आर्यन गोरे थे तो वही द्रविड़ काले थे, इसी कारण से उन्हें दसासु या दस्यु कहते थे, ये इसका रीजन था। और इसके अलावा इन्हें दसास कहते थे, और दस्यु इसलिए कहते थे, आर्यन द्रविड़ों को दस्यु इसलिए कहते थे कि वो जंगलों में रहते थे और छाल के कपड़े पहनते थे द्रविड़, इसलिए उनको दस्यु कहा गया। ये था एक तरीके से वैदिक पीरियड का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्यन और द्रविड़ के बीच कैसे संघर्ष हुआ, कैसे आर्यन भारत में आकर कैसे आधिपत्य अपना कायम किया। इस अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।